Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। मौजूदा लोकसभा चुनाव में यूपी की मुरादा सीट हॉट सीट बन गई है। कारण है कि प्रत्याशी बदलने को लेकर यहां पर सपा जिस तरह दोफाड़ हुई है, उसने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सपा ने मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काट कर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। इसे लेकर पहले ही दिन से सपा में जबरदस्त गुटबाजी दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि रुचि वीरा को टिकट मिलने में आजम खां की बड़ी भूमिका है। इसे देखते हुए कह सकते हैं कि रुचि वीरा के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खां दोनों की साख दांव पर है। दूसरी तरफ यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का गृह क्षेत्र है, लिहाजा बीजेपी के लिए भी यह सीट साख का सवाल बनी हुई है। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा का मुस्लिम इलाकों में जोरदार विरोध होने की चर्चा है। रुचि वीरा मुस्लिम वोटरों की नाराजगी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि वह जुमे की अलविदा की नमाज के दौरान जामा मस्जिद पहुंची थी। कहा जा रहा है कि उनका इरादा नमाजियों से मिलकर अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना था, लेकिन तभी प्रशासन ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल मुरादाबाद की सिटी मजिस्ट्रेट किंसुक श्रीवास्तव ने सपा प्रत्याशी को आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए वहां से चले जाने को कहा तो रुचि वीरा उखड़ गईं। इसके बाद उनके और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दावा किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा पूरे मामले की वीडियोग्राफी की गई है, जिसके बाद सपा प्रत्याशी रुचि वीरा व उनके समर्थकों पर मुरादाबाद के थाना मोगलपुरा में दो केस दर्ज किए गए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।